इंद्रियानाज मंडी में हुए अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 27 अगस्त को झज्जर में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्णय लिया। इस मौके पर समिति इंद्री के हलका प्रधान रामपाल चहल ने बताया कि रैली भाईचारा बनाओ रैली है। इस रैली में पूरे हरियाणा में भारी संख्या में शामिल होने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इंद्री हलके में जनता से इस रैली में शामिल होने के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला प्रधान नफे सिंह ने कहा कि यशपाल मलिक पर भी हमला करवाने वाले भी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष हैं। उन्होंने कहा इन नेता द्वारा साजिश तहत ये सब हुआ है। 27 अगस्त को झज्जर में होने वाली रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी। हमला करने वाले सूबे सिंह समैन की वो तो एक क्लिपिंग है, उन्हें कोई कहने से किसी पे इल्जाम लगाना तो माड़ा हो, लेकिन वो तो एक सबूत के तौर पर कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ साजिश रची गई, किसने साजिश रची और किसके थ्रू रची, वो सारा का सारा खुलासा एसपी के यहाँ फतेहाबाद के अंदर उसको दे दिया गया। हमारे मंत्री का नाम बिल्कुल आ रहा है, मंत्री तो अपना आप ही उसको साबित करने लग रहे हैं। यदि किसी को शंका भी हो और किसने किया, ये तो राज का काम है उसको उजागर करने का। यदि उजागर नहीं करते अपनी सफाई, किसी आदमी के भी कोई इल्जाम लगा दिया जाओ तो उसकी सफाई देने का काम तो उसका होता है। अपने एक लोकल कहावत है, जिसका लग जाए ना गात में, भाइयों को इकट्ठा करके वही फैसला करा। उस मंत्री ने जो अब तक भी सूबे सिंह समैन को या जिसकी क्लिपिंग देके उनको आगे होकर यदि वो करवाता और बरादरी में आकर अपनी सफाई देता, बरादरी उस पर फिर विचार करती, अब तक उस चीज में वो मंत्री सक्षम नहीं रहा। बस बराड़ा जी हैं जो मौके के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी इंद्री के अंदर। इंद्री की तरफ से जो भी संगठन के मेन कार्यकर्ता साथी हैं जो पूर्ण तौर पर समर्पित हैं, उनके सहयोग से इंद्री के हर गांव के अंदर जाके 27 तारीख में पहुंचने के लिए अपील कर रहे हैं। सद्भावना रैली में पहुंचने के लिए आप अपील करके आए हैं और समाज के अंदर जिस गांव में भी गए हैं वहां लोगों के अंदर इतना उत्साह और उत्साह मिला कि वो हमारे से पहले ही तैयार मिले, भाई इस दिन तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम झज्जर के अंदर पहुंचेंगे और अपने साधनों से पहुंचेंगे और जो भी सरकार ने जिस तरह भी जो साजिश की उसका पर्दाफाश वही होगा और संगठन के साथ मिलकर चाहे किसी लेवल तक भी जाना पड़े, हर साथी वहां पर हर चीज के लिए तैयार है और रैली के अंदर पहुंचेंगे लाखों की संख्या। पिछले इसी दिन रोहतक के अंदर झज्जर थी जो एक रिकार रैली थी, ये उसको भी रोहतक वाड़ी से भी शायद दुगुनी भी कहें तो कोई अर्ज नहीं होगा उसके अंदर, क्यों पीछे से लोगों के अंदर ज्यादा उत्साह है और अपनी मांग जो सरकार के प्रति लंबित है उनके प्रति जागरूक पता करने के लिए भी, जानकारी लेने के लिए भी उसके प्रति ज्यादा लोगों के अंदर चाव है।